साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे जो अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आज हम बात करेंगे हवा की। ये जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं ये बेहद जहरीली हो चुकी है और कुछ दिनों तक सभी को इसी हवा में सांस लेना भी पड़ सकता है, क्योंकि आबो हवा सुधरने के फिलहाल कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। हर घंटे के साथ प्रदूषण में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बढ़ोतरी तेजी से जारी है। धुंध और कोहरे भी ऐसे में इसमें सूरज के दर्शन तक नहीं हो पा रहे हैं। सड़क पार चलने के लिए भी लोगों को अब रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा है और हर घंटे के साथ सांस लेना मुहाल होता जा रहा है। जहरीली हवा में लोगों का दम घुटने लगा है, जिसका असर बड़े बूढ़ों के साथ ही बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं गाजियाबाद में तो 440 बच्चे भूकंप की वजह से भर्ती हो चुके हैं। अब जब मसला गंभीर हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यूपी प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की AQMC यानी कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई है। AQMC की बैठक में प्रदेश के सभी 20 विभागों के अफसरों ने हिस्सा लिया और इस बैठक में निर्देश भी जारी किए गए हैं कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन का उपयोग किया जाए। साथ ही पराली को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी खेत में पराली किसी भी हाल में ना जलाई जाए। वहीं सड़कों पर पानी का छिड़काव होने का भी निर्देश दिया गया। निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट के उपयोग का भी निर्देश दिया गया है। तो देखिए, लगातार जो हालात है वो बिगड़ते जा रहे हैं और जो हवा है वो खराब होती जा रही है और जहरीली हवा में अब सभी सांस ले रहे हैं। लेकिन ये समस्या कितनी दिनों तक चलेगी, अभी ये सवाल बरकरार है। देखिए, जैसे जैसे तापमान में गिरावट हो रही है वैसे वैसे ही अब हवा भी जहरीली हो रही है। AQI और PM स्तर भी लगातार अपनी गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है। दरअसल हवा की शुद्धता को मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, सरकार इतने कदम उठा रही है लेकिन ये जो लूप होल है ये कहां रह जा रहा है, जो लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। आखिर क्यों केंद्र सरकार ने इस मसले पर फिर से एक सख्त एक्शन लिया है और क्यों सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ ही 5 राज्यों को कड़ी फटकार इस पूरे मसले पर लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको दूर करने के लिए सरकार कदम क्या उठा रही है ताकि लोगों को साफ हवा मिल सके, आज इसी बड़े मुद्दे पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। वही शमसी आजाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा हमारे साथ बनेंगे। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शमसी आजाद जी से करेंगे। देखिए शमसी जी, लगातार जो सरकार है वो जरूरी दिशा निर्देश दे रही है, पराली ना जलाने की बात कही जा रही है जिससे AQI में सुधार हो सके, साथ ही जो फैक्ट्रीज है उस पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है, निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट के उपयोग का भी निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन ये लूप होल कहां रह जा रहा है जो जनता को जहरीली हवा में यूपी में सांस लेना पड़ रहा है। जी और प्राइम टीवी चैनल का भी इस गंभीर समस्या को आज का मुद्दा बनाने के लिए हम लोगों को पार्टी की बात और नीतियों को जनता तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म देने के लिए। देखिए, प्रदूषण जो है इस वक्त, ये सच्ची बात है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि इससे सटे हुए और भी जो राज्य है वहां पर भी प्रदूषण इस वक्त ज्यादा है, अधिक मात्रा में ज्यादा है, जिसकी वजह से नागरिकों को, जनता को जो है काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार सरकार अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रही, लगातार सरकार जो सुधारने का प्रयास कर रही है, लेकिन हो क्या है कि दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, ये जो दिल्ली से सटे हुए, आप देखें कि वहां के AQI अगर चेक करेंगे, वहां का पॉल्यूशन अगर चेक करेंगे और उसके बाद आप इधर पूर्वांचल की तरफ आते हैं, लखनऊ की तरफ आते हैं, क्या कहते हैं इधर गाजियाबाद, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, इस तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रदूषण काफी अच्छा मिलता देखने को। इससे ये साफ जाहिर होता है कि दिल्ली की तरफ से जो गंदगी फैलाई जा रही है, और दिल्ली में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जमुना जैसी बड़ी नदी जो है वो आम दिनों में नालों में तब्दील हो जाती है, वहां पर गंदगी इतनी ज्यादा है कि वहां पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। और आपने देखा होगा कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, उत्तर में बाकायदा किस तरीके से नगर निगम का चुनाव जो वहाँ क्या कहते हैं उसका हुआ था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो वहां पर भी आपने देखा था कि गंदगी का अंबार लगा रहता है,
दिल्ली में आप जाइए जो कि देश के प्रतिष्ठित राजधानी जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन उनको समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और उनको एक ही शिकायत रहती है कि यहाँ पर प्रदूषण बहुत है, गंदगी बहुत है। किस तरीके से वहाँ की सरकार जनता के देखभाल करे, किस तरीके से वहाँ साफ सफाई काम कर रही है, इसको बताने की जरूरत नहीं। और हमारी सरकार ने भी जो कुछ हो सकता था योगदान केंद्र सरकार ने दिया साफ सफाई व्यवस्था करने के लिए, और उन्होंने ये साफ कहा था कि देखिए कुछ हो ना हो लेकिन दिल्ली में कम से कम सड़कें गलियां और नालियां जो है ये पूरी तरीके से जो दुरुस्त होनी चाहिए, इनकी पूरी तरीके से मरम्मत करनी चाहिए। लेकिन वहां जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल आप देख रहे हैं कि खेला जा रहा है, अभी एक छोटा सा मामला खुला शराब नीति का मामला, तो उसमें आम आदमी के पार्टी छोटे से कार्यकर्ताओं से शुरुआत जब शुरू हुई तो उसका सिरा कहाँ पर जाकर खुलता है। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, जो हेड है, अरविंद केजरीवाल के गरीबान तक उसकी आंच पहुंचती है और उनको भी जो है तो संबंध भेजा जाता है। उन्होंने चलिए ठीक है शमशी जी, इस मुद्दे पर कभी और चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पर ऑलरेडी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। आज का मुद्दा है फिलहाल प्रदूषण। सैयद मोहम्मद तकी साहब, ये टोपी ट्रांसफर की गई है आप पर कि ये जो दिल्ली में जो लगातार सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में विफल साबित हो रही है और दिल्ली की गंदगी का खामियाजा अब यूपी की जनता भुगत रही है, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी और दिल्ली की गंदगी को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, तकी साहब से दोबारा संपर्क करेंगे, उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम सीधा रुख करते हैं कपीश श्रीवास्तव जी से। कपीश जी, देखिए लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से तो हम सवाल करेंगे ही, लेकिन आपसे भी एक चीज मैं जानना चाहूंगी। लगातार देखिए शमसी आजाद जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए गए हैं, लेकिन क्या वाकई अगर कदम उठाए गए होते तो सुप्रीम कोर्ट को क्या फटकार लगाने की जरूरत पड़ती? क्या वाकई जिस कदम की ये बात कर रहे हैं वो धरातल पर आपको नजर आए? कपीश जी, सबसे पहली चीज तो कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कथनी में विश्वास करती है, करनी में विश्वास नहीं करती। पिछले 10 वर्षों से लगभग इनकी सरकार चल रही है और 0.5% का जो है इन्होंने पर्यावरण पे सेस लगाया हुआ है। अब तक अगर आप 10 सालों में देखें तो 20,000 करोड़ रुपए मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू आप सोच लीजिए 200 करोड़ रुपए आपने पर्यावरण के लिए जो है वो सेस टैक्स लगा करके लिया, लेकिन बावजूद इसके क्या डेनमार्क से आपने कोई सीख सीखी? डेनमार्क में जिस तरीके से एयर फिल्टर्स का प्रयोग हुआ है भारत क्यों नहीं कर सकता? पैसे आपके पास एक्सेस पड़े हुए, आपने उसका क्या यूटिलाइज? और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब कैग की रिपोर्ट आई तो हम लोग हतप्रभ रह गए, टैक्स का जो पैसा वो कहां चला गया उसके लिए केंद्र सरकार कुछ भी बता ना सके। तो इसमें तो अमानत में ख्याल है, तो भ्रष्टाचार चल रहा, तो पर्यावरण पर ध्यान किसका है? आप प्रदेश सरकारों पे खाली ये कह करके हाथ नहीं झाड़ सकते हैं कि केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र के पास हर प्रदेशों से मिलकर के बड़ा टैक्स आता है और पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर पर्यावरण उतने पलुषित नहीं है, ना हमारे पूर्वांचल से और बिहार में उतना पलुषित जितना कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR का जो इलाका है वो ज्यादा प्रदूषित होता है और पंजाब और हरियाणा से मिला हुआ। तो ये 5 प्रांत तो केंद्र सरकार के दुर्व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं, इनके मुख्यमंत्रियों पर उतना जिम्मेदारी नहीं हो सकती है पर्यावरण की, क्योंकि इस पर केंद्रीय टैक्स लगता है और सेस जो है एक केंद्रीय टैक्स है। तो मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता कम से कम ये पढ़ लिख करके आना चाहिए कि भैया कौन सा टैक्स आप ले रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, आप बताओ ना क्या किया। आप केवल एक चेतावनी जारी कर दे रहे कि भाई पराली मत जलाओ। आपने क्या किसानों के पास आपने कुछ दवाएं कुछ इजाद ऐसी चीजें भेजी कि पराली काट करके गड्ढे में रख करके उस दवा को डाल करके वो खाद बनाने का काम करें? जो केजरीवाल साहब ने कोशिश की है दिल्ली के किसानों और पंजाब के किसानों के लिए, तो हम ये कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के भी किसानों के लिए योगी सरकार की है, वो हरियाणा के लिए इनकी अपनी सरकारें कर सकती है। तो केंद्र ने कोई पहल नहीं की, भारतीय जनता पार्टी लीडेड सरकारों ने कोई पहल नहीं की है, इसलिए सिर्फ दिल्ली के प्रदेश सरकार या पंजाब के प्रदेश सरकार को कोस लेने मात्र से हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। बिल्कुल, और ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के 40 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो प्रदूषण का शिकार हुए हैं और वो भर्ती हैं जिस पर ये संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और आपसे क्वेश्चन हायर किया है और आप पर सख्त टिप्पणी की है।
बिल्कुल ठीक है कपीश जी, अब इसका जवाब तो मैं लूंगी, लेकिन एक ओपनिंग रिमार्क पहले मैं लेती हूँ। देखिए सैयद मोहम्मद तकी साहब अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शमसी आजाद जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि यूपी की ये जो आबो हवा खराब हुई है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली की है, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे केजरीवाल को इस प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया है कि जो दिल्ली का प्रदूषण है वो यूपी में नुकसान कर रहा है। देखिए, हर चीज की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत जिम्मेदार इंसान है और अरविंद केजरीवाल के बस का ही है कि प्रदूषण कम कर सके, क्योंकि बीजेपी का बस से कुछ है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचती है। इसे पूछिए पिछले 6 महीने में 7 महीने में या 1 साल में केंद्र सरकार ने कितनी बार मीटिंग कर दी है प्रदूषण को कंट्रोल करने में, और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए, वो खरीद फरोख्त करने में केंद्र सरकार ने कितनी मदद की है राज्य सरकारों की। इनका मकसद ही सिर्फ इल्जाम लगाना दूसरे पे और दाएं बाएं हो जाना, ये बिल्कुल गंभीर नहीं। हमारे प्रधानमंत्री हर देश पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए, हर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं, हर राज्य में इलेक्शन पहुंच जाते हैं, लेकिन जो देश को लेके महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, जिसे प्रदूषण है, इसके अंदर जो है नदियों का प्रदूषण है, उसको लेके हमेशा वो एब्सेंट रहते हैं, ना मीटिंग करते हैं, ना सही से उस पर कोई कार्रवाई होती है, कोई गंभीर प्लान आज तक बनाई नहीं पाएगी सरकार प्रदूषण कम करने के लिए। प्रदूषण कहीं का नहीं, प्रदूषण इंसानों ने किया है, इंसानों द्वारा है, जब तक पृथ्वी पर इंसान है वो कुछ ना कुछ ऐसा इस्तेमाल करेगा जिससे प्रदूषण होगा। तो ये इंसानों का उत्तरदायित्व, कोई भी व्यक्ति हो, कि वो प्रदूषण को कम करे, और ये राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी, केंद्र सरकार जो है वो और राज्यों से और भारत के बाहर के देशों से संपर्क में रहती है। याद होगा जब आप कोरोना के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जब दवाओं की कमी हुई थी, तो केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि आप दवाएं प्रोक्योर कर लीजिए, लेकिन जब वो गए विदेशों में दवाएं लेके, उन्होंने कहा नहीं, आप जो है केंद्र सरकार के जरिए आइए, केंद्र सरकार से कहिए, वो भारत की केंद्र सरकार से जो के इस वक्त प्रधानमंत्री है यहाँ जिसके सरकार, उनसे कहिए, उनके जरिए हम आपको जो है दवाएं दे पाएंगे। तो जो भी इक्विपमेंट आएंगे, जो भी प्रदूषण कम करने के लिए योजनाएं बनेंगी, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है केंद्र सरकार का है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हमने कहा यमुना साफ कर देंगे, हमने कहा प्रदूषण साफ कर देंगे, और इस बार और पिछली बार भी कई बार लगातार सबसे कम प्रदूषण रिपोर्ट किया गया 1 जुलाई में दिवाली के आसपास के टाइम के दौरान। लेकिन आप देखिए, सबसे दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर है उसमें दिल्ली का नाम नहीं रहा, उसमें नाम कहाँ का है, उसमें नाम हरियाणा के शहरों का, फरीदाबाद का है, उसमें नाम यूपी के शहरों का है, उसमें नाम जो है मध्य प्रदेश के शहरों का है, उसमें दिल्ली का नाम नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी जो है मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, केरल में सरकार बीजेपी की है, तो जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल, सवाल पूछे जाएंगे शमसी आजादी से भी, क्योंकि देखिए शमसी जी, ये टोपी ट्रांसफर का खेल ज्यादा नहीं चलेगा। अगर यूपी की सत्ता आपके पास है, तो अगर यूपी में किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, फिर आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से आपको मदद मिली है, लेकिन अगर वाकई आपको मदद मिली है तो ये जो प्रदूषण का स्तर है ये इतना खराब क्यों हो रहा है? धुंध छाई रहती है, अभी भी तकरीबन कितने 2 बजे का समय हो रहा है, लेकिन अभी भी बादल साफ नहीं है, धुंध की एक चादर देखने को मिल रही है। क्या कदम उठा रही है सरकार? क्योंकि देखिए शमसी जी, मुद्दा गंभीर हो गया है, अब से कुछ दिनों बाद दिवाली आ जाएगी तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाएगा, तब क्या कीजिएगा आप? आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, लोगों को तो देखिए झूठ बोलने में शर्म नहीं आती कि कम से कम एक प्रतिष्ठित चैनल पर बोल रहे हैं, उनको ये भी नहीं लगता कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ ले जाके मिला रहे हैं। अगर इनको दिल्ली में प्रदूषण है तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, और दिल्ली में आपने देखा होगा कि नालों की नालियों की वहां पर क्या व्यवस्था है, सड़कों की वहां पर क्या व्यवस्था है, किस तरीके से वहां पर कचरे का अंबार आपको जगह जगह देखने को मिलेगा। देश की राजधानी है भाई, प्रशासन की बात अगर करें तो पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं, ये फौरन कह देते हैं कि भाई हम अपराध रोकने में नाकामयाब है, फलाना रोकने में नाकामयाब है, क्योंकि पुलिस जो है वो सेंट्रल के हाथ में, लेकिन म्युनिसिपैलिटी तो आपके हाथ में है, सरकार तो वहां आपके हाथ में, मंत्री तो आपके हाथ में है, उनको तो चाहिए कि अपना काम करें, उनको तो चाहिए साफ सफाई करें। हम ही कह रहे हैं कि जो दिल्ली से लगे हुए दिल्ली है, सिर्फ वहां पर ही क्यों प्रदूषण ज्यादा है, वहां पर ही क्यों एटीआई जो है तो ना हाई दिखला रहा है। हमने तो चैलेंज किया आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, मैं कह रहा हूं कि अगर आप देख लें आजमगढ़ की तरफ, पूर्वांचल की तरफ आप पढ़ेंगे, अगर वहां आपको इस तरीके का प्रदूषण दिखाई दे तो आप बताइए। लेकिन जो वहां पर कारखाने हैं, वहां पर उनकी समुचित व्यवस्था नहीं है, दिल्ली से जो भी गंदगी निकलती है वो
सब यूपी की तरफ आती है और धुआं जो भी निकलता है, कचरा जो भी निकलता है, उसको यहाँ पर फैलाने का काम किया जाता है। हमारी सरकार पूरी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर देश के नागरिकों के प्रति पूरी तरीके से गंभीर है, और हमने पैसा दिया इनकी सरकार को, केंद्र सरकार ने जो बजट होता था उतना बजट इनको दिया, लेकिन उन्होंने बजट को पूरा खर्चा भी नहीं किया, और जो कुछ खर्चा किया वो सब अंदर बांट करके अपने मंत्रियों में किस तरीके से बांटा है वो देश की जनता पूरी तरीके से जान रही है। दो प्रदेश में आपकी सरकार है, लेकिन दोनों प्रदेशों का बात देख लीजिए, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, दोनों क्या हालत देख सकती है, गंदगी है, हम उसको मानते भी हैं। जैसे ही वहां पर पता चला है तो दो दिन पहले ही, बल्कि एक आज की शनिवार को जो है, तो यहाँ पर जो है कि मीटिंग बुलाई गई थी, और वहां पर पूरी तरीके से चार चौबंद व्यवस्था बनाने के लिए, डेंगू प्रकोप को भी रोकने के लिए, क्योंकि डेंगू भी एक महामारी की तरह देश में फैल रही थी, तो उसको भी रोकने के लिए। लेकिन शमशी जी, जो दिल्ली की बात करके आप यूपी का AQI उससे ढक नहीं सकते हैं, अगर हम लखनऊ की बात करें तो आज लखनऊ का भी AQI बहुत गंभीर है, क्या लखनऊ दिल्ली से सटा है? नहीं नहीं, लखनऊ हमने क्या कहा कि लखनऊ तक तो अपने कहा ना कि लखनऊ भी देखिए राजधानी है, और यहाँ पर भी हमारे ख्याल से प्रदूषण है, यहाँ नालियों का प्रदूषण है, यहाँ पर जो प्रदूषण है कूड़े के ढेर का प्रदूषण नहीं, यहाँ पर सिर्फ जो है गाड़ियों का प्रदूषण है। इस वक्त गाड़ियां उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा यूपी में है, और यहाँ पर जो गाड़ियों का प्रदूषण इस तरीके से है कि उसके लिए भी परिवहन मंत्री ने भी ये दो सप्ताह पहले अपने यहाँ मीटिंग बुलाई थी, और बाकायदा उन्होंने अभियान चलाया है कि जो भी गाड़ियां तरीके की दिखाई दे जो डेट के बाहर हुए उन गाड़ियों को सीज किया जाए, और जो भी गाड़ियों से धुआं निकलता दिखाई दिया जाए या जिनके बाद प्रदूषण का सर्टिफिकेट है उन गाड़ियों को भी पनिश किया जाए, और हो सके तो उनको भी सीज करने का काम किया जा सके। ये परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह ने 15 दिन पहले मीटिंग बुलाकर पूरी तरीके से अपने विभाग को सचेत कर दिया है। तो सरकार हमारी लगातार काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार हमारी काम नहीं कर रही है, लेकिन बात यही है, हमने ये कहा कि दिल्ली से जो सटे हुए जिले हैं, और आप चाहे चेक भी कर सकते हैं, आपका आप लखनऊ का देख लीजिए और गाजियाबाद का। बिल्कुल ठीक है शमशी आजादी, ठीक है, ये तमाम आरोपों के जवाब अब आपसे तकी साहब से लेना बहुत जरूरी है। तकी जी, वो लखनऊ के पास कोई जवाब ही नहीं है। नहीं, तो भी मैं लूंगी सर, वो मैं डिसाइड करूंगी, जवाब उनके पास होगा कि नहीं होगा वो दे देंगे। देखिए लेकिन तकी साहब, यूपी की राजधानी को लेके वो कहते हैं यहाँ तो गाड़ियों का पॉल्यूशन है, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है, देश की राजधानी की बात आती है, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि वहां भी गाड़ियां हो सकती है भाई, वहां भी प्रदूषण होगा, वो तो सीधा कह रहे हैं कि ये नाकामी है आम आदमी पार्टी की। शमशी आजाद साहब से पूछिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ई व्हीकल को लेके जो डिस्काउंट की पॉलिसी ले गई थी, सब्सिडी की पॉलिसी ले गई थी, वापस कर ली, जो दिल्ली में भी चल रही है। दिल्ली में अगर कोई व्यक्ति ई व्हीकल खरीदता है, फोर व्हीलर देता है या टू व्हीलर लेता है, दिल्ली सरकार उसको सब्सिडी देती है, उसको इनाम देती है। यहाँ क्या दे रही थी यूपी सरकार, कोई भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप लोगों को डिस्काउंट नहीं कर प्रवक्ता से गुजारिश है, प्लीज एक एक करके बोलिए, क्योंकि ये शाउटिंग मैच नहीं है। प्लीज और भी चैनल है जहाँ पे आपकी लड़ाई झगड़ा दर्शक देखना चाहते होंगे, लेकिन फिलहाल प्राइम टीवी के दर्शक ये नहीं देखना चाहते हैं। तकी साहब, पहले आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बहुत सी योजनाओं को चालू किया था। हमने बहुत सारे पेड़ लगाए, हमने वहां पे इक्विपमेंट लगाए जिससे जो है वाटर कैनल लगाए, जिससे हमने वहां पे प्रदूषण कंट्रोल करने का कोशिश किया था, उसका असर भी हुआ था। लेकिन जो प्लांट को जो चलाने के लिए पैसा चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, केंद्र सरकार ने वो राजपाल के द्वारा उसको देते करके उसका पैसा कम कर दिया है। तो बीजेपी ना खुद कर पा रही है, ना दूसरा कोई कर रहा है तो उसको करते हुए देख पा रही है, उसको करते देख रही है। अगर आपको नहीं आता काम करना, हम मानते हैं आपको काम करना नहीं आता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, इंजीनियरिंग स्तर के लोग आए हुए हैं, वो अंगूठा छाप नहीं, वो चौथी पास नहीं, उनको समझदार है, वो जानते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो बस वो पीछे कैसे कर रहे हैं, उसको और राज्यों में इम्प्लीमेंट करिए, आप फायदा उठाइए, देश देश में जो काम हो रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे फायदा उठाइए और प्रदेशों में लेके जाइए। लाभ खुद कर नहीं पा रहे, दूसरा अगर कर रहा है तो उसको करने दे रहे हैं। आप पीछे बैकडोर से ऐसे कानून लेके आते हैं जिससे आप जो सुनी हुई सरकार है दिल्ली की, उसके अधिकार को लगातार छीनने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकते दिल्ली की चुनी सरकार को, लेकिन ये बैकडोर से
ऐसे कानून लेके आए जिसके अच्छा जरिए तकी साहब देखिए, ये अगर आपको व्यवस्था। लग रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से आपको मदद नहीं दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा में ये बात कही गई है, क्या क्या इसका जिक्र है? अरे सुप्रीम कोर्ट में तो दिल्ली सरकार गई थी और दिल्ली सरकार के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये सम्मान कहाँ कर पाते? ये तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कोई कानून फीडबैक तो ले आते। Where they stand with the verdict of Supreme Court, they are not ready to accept it or not accepted. तो जब ये ना respect कर पा रहे, ना expect accept कर पा रहे, तो कैसे जब solution निकलेगा? ये लोग हर चीज में विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, परेशानी उत्पन्न करना चाहते हैं, solution के बाहर है नहीं, ठीक है, खुद कर नहीं पा रहे, दूसरे करने दे रहे। अगर पढ़े लिखे नहीं हो, समझदार नहीं हो, नहीं गए हो, आईटी इंजीनियरिंग नहीं कर रही है, तो जो लोग सीखो अभियान चलाए उसको उसे सीखने को तैयार है। इस तरीके से नेताओं ने, मंत्रियों ने, छात्रों ने, नौजवानों ने, सभी मिले के विदेशी प्रधानमंत्री करते हैं अभियान चलाए, उपकरण लेके आए, कोई टेक ट्रांसफर करे जिससे हमारे देश के अंदर प्रदूषण कम हो। और भी देश है जो पूरी दुनिया में 200 देश है जिनके पास सेम समस्या है, वो अपनी समस्याओं से कैसे लड़े वो सीख के आते नहीं आते? किसी अदानी अंबानी को जो बिजनेस ही ट्रांसफर करा के आते कोई? अरे तकी साहब, हर मुद्दे को अडानी अंबानी से नहीं जोड़ते हैं ना। देखिए, ये मुद्दा गंभीर है, जनता की समस्या का जुड़ा हुआ मुद्दा है। कपीर श्रीवास्तव जी, देखिए ये गंभीर मुद्दा है जिस पर राजनीति से हट के बात होनी चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर भी राजनीति देखने को मिल रही है। कपीर जी, ऐसा क्यों? यहाँ पे जो जनता है वो परेशान हो रही है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सरकार कह रही है हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है, तो सवाल फिर पूछा जाएगा। बिल्कुल, सवाल पूछा भी जाएगा और सवाल का समाधान मिलजुल करके बैठ करके निकालना भी चाहिए। बिल्कुल, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की है। केंद्र का निर्वहन इस बात पे केंद्र सरकार को चाहिए कि प्रदेश सरकारों को बैठा के, क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर की जो स्थिति है उससे हरियाणा भी जुड़ा हुआ है, उससे पंजाब भी जुड़ा हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ। और अगर कहीं पराली जलाई जाएगी या कहीं जान लीजिए ज्यादा अगर कोई मोटर गाड़ी से प्रदूषण है या जो है वो उद्योगों का प्रदूषण है, तो वो कहीं एक जगह पे तो होगा नहीं, वो तो जब ऊपर जाएगा तो वो फैल जाएगा और चारों तरफ जाएगा, तो उससे तो सभी प्रभावित होंगे। इसलिए केंद्र सरकार का ये दायित्व तो बनता है कि जो वो सेस ले रही है उससे वो जो है एयर फिल्टर्स का भी इस्तेमाल प्रदेशों के अंदर करे और साथ ही साथ पराली को जलाने ना दे, बल्कि उसके समाधान के तौर पर उसको खाद बनाने का जो तरीका है उसको अपनाना चाहिए और उसमें किसान भाइयों की मदद की जानी चाहिए। प्रदेश सरकार को भी उसमें 20-25% की अपनी भूमिका निभानी चाहिए और उसको उस पर आने वाले खर्च को वहन करना चाहिए। लेकिन ये पहल तो केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि तो 3 गवर्नमेंट 4 गवर्नमेंट को आप मिला करके बैठाएंगे, आप एक तरफ से राजस्थान से जुड़ता है, दूसरे तरफ हरियाणा और पंजाब से जुड़ता है, तीसरे तरफ उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, तो कोई एक राज्य नहीं है। इसलिए केंद्र को अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, जिससे वो बच रही है, भाग रही है। प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर इस समय चुनावी जनसभा में लगे हुए हैं, कोई मौत के मुंह में जा रहा है तो जाए, उसके लिए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो इस समय राजनीति में बिजी हैं, उनको पब्लिक के इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बात को लेके झाड़ भी केंद्र सरकार अन्य प्रदेश सरकारों की लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ताकि साहब 10 सेकंड में अपनी बातों को रखिए। बिल्कुल बिल्कुल रखिए। मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने पूसा सिंह के साथ पिछली बार मिलकर केमिकल बनाया था, जिसको अगर आप जो परोली के पास डालते हैं तो खाद बन जाता है। हमने किसानों को पंजाब बताया और किसानों ने पंजाब में बहुत सहयोग किया। आज इन्हें पंजाब में 90% केसेस कम हो गए हैं परोली जलाने के, जो परोली जलाने के ज्यादा केस हो रहे हैं हरियाणा में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और राज्यों में। हम पंजाब में 90% तक केस कम हो गए परोली जलाने के। हम लोग उस परोली को एक प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, प्लांट भी लगाए हमने ताकि उससे कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा सके, उसका पैसा दे रहे हैं हम परोली को किसानों को। तो ये कदम तो आम आदमी पार्टी पंजाब में उठा रही है, लेकिन आप पूछिए उत्तर प्रदेश में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हरियाणा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, राजस्थान में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जहाँ अन सरकार है वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ जा हो रहा है। लेकिन तकी साहब, आपने ये कदम उठाए हैं उसके बावजूद भी पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को हाल ही में फटकार लगाई है कि पराली अभी भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पंजाब में जलाई जाती है। लेकिन देखिए, एक आखिरी कमेंट शमसी जी से लूंगी। शमसी जी देखिए,
ये मुद्दा गंभीर है और इस पे जनता को भी सरकार का बराबरी से सहयोग करना चाहिए, ये सभी मानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है। सरकार कितने भी कदम उठा लेगी, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सकता है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रही है बीजेपी? मुस्कान जी, देखिए, योगी सरकार ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नदियों को साफ करने का काम किया, नालों को साफ करने का काम किया, उसके बाद हरित क्रांति लाने का काम किया, और प्रतिवर्ष जो है कम से कम 5 करोड़ पेड़ लगाने का उन्होंने लक्ष्य रखा, और ये प्रतिवर्ष लगातार नेताओं और मंत्रियों के जरिए जो है उत्तर प्रदेश में लगातार किया जा रहा है। ये यहाँ पर ग्रीनरी जो है उत्तर प्रदेश में, हरियाली जो आपको देखने को हर तरफ मिल रही है, इसी वजह से वातावरण यहाँ का जो है काफी साफ सुथरा है। लेकिन होता यह ना कि जब आप पड़ोस में राजनीतिक गंदगी फैला दी जाए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी राजनीतिक गंदगी फैला रही थी, तरीके से हवा में भी गंदगी फैला रही है, पानी में भी फैला रही है, वायु को भी दूषित कर रही है, वातावरण को भी दूषित कर रही है, कल कारखानों के जरिए जो है लगातार गंदगी फैलाई जा रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जबकि ये देश की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमारा परिवार नहीं आपका परिवार भी प्रभावित हो रहा है। तो इसको जो है कहना ये चाहिए कि सरकार जो भी काम करे, सरकार जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं जो भी है उसमें जो है दिल्ली सरकार को बढ़ चढ़ कर हाथ मिलाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और अपने वहां के नागरिकों से भी कहना चाहिए, और मैं भी यही आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि प्रदेश की जो जनता है वो प्रदूषण को, उत्तर प्रदेश को प्रदूषण बनाने का काम करे, जिससे जो हमारा उत्तर प्रदेश हरा भरा हो। ठीक है शमसी जी, आपने ये बोला कि सरकार नदी साफ कर रही है, नाले साफ कर रही है, अब एक एक सवाल मैं बस हाँ और ना में जवाब चाहूंगी। कपिल श्रीवास्तव जी, लखनऊ की गोमती नदी ले लेते हैं, वाकई साफ हो पाई क्या? देखिए मुस्कान, सबसे पहली चीज तो यह कि अच्छा है कि आप तो लखनऊ से ही रहती, मुझे आप बताइए कि योगी सरकार के पूर्व जब हम लोगों ने टेम्स नदी के तर्ज पर उससे बेहतर योजना चला करके गोमती नगर रिवर, गोमती रिवर फ्रंट बनाया था, उसमें केवल आधा किलोमीटर का काम रह गया। जिस जगह तक हमने रोक करके पानी को साफ किया था, आज वहां सड़ंध आ रही है। जो हम लोगों ने किनारे किनारे वीथिका बनाई, साथ में करोड़ों रुपए के उसमें फव्वारे लगाए थे, उस फव्वारों को योगी सरकार के द्वारा सड़ा दिया गया। आप आखिर कैसी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? ये जनता का पैसा था, जनता के लिए रिवर फ्रंट बना था, जनता के लिए नदी साफ हो रही थी, और पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा था, और आपने उसे जानबूझकर एक कथित भ्रष्टाचार के उसमें फंसा करके, और आपने आम जनता का पैसा अरबों रुपया बर्बाद किया है, और आज जो आपने पानी बांध दिया है उससे सड़ंध पैदा हो रही है, लखनऊ के अंदर भयावह स्थिति रिवर फ्रंट की पैदा हो गई, जिसको हमारी सरकार ने इतनी मेहनत और पैसे से जनता के लिए, जनता के उपयोग और उनके स्वास्थ्य के लिए साफ किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिशोध के अंदर आकर के उसने पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ लखनऊ में खिलवाड़ किया है, और हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आइंदा से, अब से कम उसकी उस पर ध्यान देना चाहिए, और उस फ्रंट को बनाया जाना चाहिए, रिवर को साफ होना चाहिए। लेकिन हमें एक बात की बड़ी हास्यास्पद स्थिति दिखती है कि जो गंगा मंत्रालय साफ करने के लिए बनाया गया था, वो गंगा का पार्ट तो नहीं साफ हुआ, लेकिन गंगा मंत्रालय मंत्री समेत साफ हो गया, और 20,000 करोड़ रुपए का गबन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर लिया, जो खर्चा दिखाते हैं, और इस पर भी कैग की रिपोर्ट में पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी की योगी लीडर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो ये पूछ रहा हूं, केंद्र के अंदर एक मंत्री बनाई गई थी श्रीमती कुमारी भारती जी को, उमा भारती जी को, आखिर उनका तो मंत्रालय और उनका मंत्री पद दोनों साफ हो गया, लेकिन गंगा जी का एक फीट पार्ट भी नहीं साफ हो पाया, बनारस के अंदर साफ नहीं हो पाया। तो आप दुनिया में कौन सी और आप देश में किस जगह पर आप जो है गंगा और यमुना के पार्ट को आप साफ कर लेंगे? इनका मकसद साफ करना है, जनता की पॉकेट, महंगाई, बेरोजगारी फैलाना, ये सब काम करने में ये उस्ताद है, और बाकी प्रकाशन में पैसा खर्च करते हैं, मीडिया के मैनेजमेंट पे पैसा खर्च करते हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की लीडर सरकारों को कुछ आता नहीं है और कोई काम नहीं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो देखिए, आबोहवा खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो टोपी ट्रांसफर का खेल है ना, ये देखने को मिल रहा है। जो यूपी सरकार के तमाम मंत्री हैं, जो तमाम प्रवक्ता है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली में प्रदूषण है ना, उसकी वजह से यूपी की आबोहवा खराब हो गई है। लेकिन यूपी की आबोहवा चलिए अब तो खराब हो गई है, अब से कुछ दिनों बाद आ जाएगी दिवाली। दिवाली को लेकर आखिर सरकार का एक्शन प्लान क्या है, क्योंकि ये सवाल बड़ा है। दिवाली के बाद पटाखे जलेंगे,
फिर लाजमी है कि हवा में प्रदूषण घुल जाएगा और जो हवा है वो और जहरीली हो जाएगी। अब इस हवा को सुधारने के लिए क्या कवायद उठाई जा रही है, लेकिन कवायद तो दूर की बात है, यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में प्राइम टीवी खबर दोपहर के माध्यम से अपने सभी दर्शकों से यही अपील करेगा कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अब आपकी सुरक्षा आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।